जय हिंद दोस्तों, आज हम आए ओबर राय डेयरी लुधियाना। नरेंद्र डोला नाम सुना है लेकिन दिखा हम आज पहली बार हैं। इनकी बहुत बार वीडियो बना गए हैं, बहुत ही मशहूर हैं और कहते हैं कि व्यापार इनके नाम से चलता था। जब इनकी गाड़ियां भर के जाती थी तो उनको कभी कोई रोकता नहीं था, किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं होती थी, सिर्फ इनका नाम लेकर के व्यापारी गाड़ियाँ निकाल ले जाते थे। यही नहीं जाते थे, बाहर के व्यापारी नहीं जाते थे, यहाँ के व्यापारी भी इनके नाम से निकालते थे। अभी हम कल किसी गांव में गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमने नरेंद्र डोला के नाम से बहुत व्यापार किया है, बहुत उनके नाम से पैसे कमाए हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत बढ़िया काम जो उन्होंने किया है पंजाब के किसानों में हितकर और पंजाब के लिए बहुत ही हितकर जितना साबित हुआ है उससे ज़्यादा और साबित होगा कि उन्होंने जो व्यापारी पैदा कर दिए हैं, जो परंपराएं डाल दी हैं, तो वो अगर जीवित रहेंगी तो दूसरे स्टेटों की भी तस्वीर बदलेगी और पंजाब के किसान भी खुशहाल होंगे। तो नरेंद्र डोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमसे पहली बार मिल रहे हैं। आपका नाम हमने सुना बहुत, कल हम गए यहाँ से कद्दों तो वहाँ कुलवंत सिंह थे, वो कहते क्या बात है नरेंद्र डोला की, क्या बात करते हो, उसके नाम से तो कहते व्यापार चलता था। 50 साल हो गए जस्सी वहाँ गए गुजरवाल, तो वहाँ जस्सी उसने कहा वो बोला कहता कि मेरे फादर के कहता वो परम मित्र, दादे से भी कहता मित्र थे। तो आपका बहुत नाम है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। नमस्कार। कौन सी बार आए हैं? दूसरी बार आया हूँ। दूसरी वार्डे अनिल वार्डे अनिल वांद्रे अनिल वांद्रे हाँ जलगांव फ्रॉम महाराष्ट्र महाराष्ट्र हाँ। तो कितनी गाय खरीदवाई इस बार आपने? अभी ए पहली खरीदी और अभी भैंसे खरीदना है मुझे। भैंसे खरीदना। ये क्या बात, भैंसे खरीदने जा रहे हो गाय की बजाय? गाय नहीं, नहीं गाय तो है मेरे पास, भैंसे भी ट्राई कर रहा हूँ मैं इधर का। तो उसका कारण क्या है, गाय छोड़कर भैंस क्यों साथ में करना चाहते हैं आप? मैं भैंस मेरे पास ऑलरेडी 51 भैंसे है। अच्छा। मैं भैंस भी बढ़ाना चाहता हूँ और गाय भी बढ़ाना चाहता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास अभी 80 पशु है उधर। 80 पशु है वहाँ पे। हाँ। तो कितना दूध हो जाता है? दूध होता है 500 लीटर के करीब। जो किसान हैं वो डेयरी धंधे की तरफ आ रहे हैं? किसान तो आ रहे, धीरे धीरे आएंगे, हम फॉलो करेंगे। पहले से है लोग कोई बहुत सारे डेयरी बिजनेस में, लेकिन ए ब्रीड का उधर अभी ये नहीं है। अच्छा, अनिल बांदर जी आप तो कोई और भी काम करते हैं साथ में? हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर है? हाँ। आपने मंडी में बताया था मुझे। हाँ, मैं वैल्यूअर भी हूँ, गवर्नमेंट वैल्यूअर और सिविल इंजीनियर भी हूँ। तो वो हाई फाई पेशा छोड़ करके आप इस तरफ जो आए हैं? ये मेरा एक हॉबी है। ये हॉबी है? हॉबी है, शौक है। शौक है और इसके माध्यम से कुछ हमारे तरफ नया कुछ बदलाव आ सकता है तो वो आना चाहिए ऐसा लगता है मुझे, इससे आ जाएगा। और मैं केंद्र और राज्य सरकार को ये माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो उन्होंने ट्रेन बंद कर दिए कैटल ट्रांसफ़र का, हाँ, वो ट्रेन चालू होना चाहिए। तो अब अगर आप ट्रक से ले जाने अगर ट्रेन से ले जाएंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा? भाड़े में फ़र्क पड़ेगा और दूसरी बात हमारा जो जानवर है वो सेफ पहुँचेगा और तीसरी बात तो बोले तो यानी उनका जो भाड़ा हमको कम लगेगा। भाड़ा भी कम लगेगा और जो पशु है वो आराम से जाएगा। पहले शुरू था नहीं, कब से बंद हुआ है पता नहीं, लेकिन ये कौन से लीडर की मेहरबानी हुई है? ये लीडर को कोई बोल नहीं सकते है, लेकिन कोई घोड़ा मर गया था इसके वजह से वो बंद कर दिया था उन्होंने ट्रेन का। नहीं तो पहले ट्रेन का फैसिलिटीज था। अभी पंजाब हरियाणा से कौन से मंत्री महोदय थे जिनकी मेहरबानी हुई है? नहीं वो नहीं पता। अच्छा, वो नहीं मालूम, लेकिन शुरू होना चाहिए। आपकी रिक्वेस्ट है, किसानों की रिक्वेस्ट है, व्यापारियों की रिक्वेस्ट है। बालू जी। हाँ जी जी। भाई बहुत बढ़िया, क्या आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये गाय जो है सामने खड़ी हुई है, हाँ जी, बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी। तो कौन सी ब्यांत में है ये? ये दूसरे ब्यांत में है जी। दूसरे ब्यांत में? हाँ जी। हाँ जी। ये तो लग रही है सिर्फ 10-12 साल की होती है। 10-12 साल की नहीं, अभी दांत पकड़ के देखो, पैर पे जरा आप फोकस करोगे तो आप गायें देखो, और अभी 6 दांत है जी। 6 दांत की है? हाँ जी। तो ये खोर और दांत, हाँ जी, ये उम्र की पहचान बताते हैं। और जवानी देखो ना कितनी है। दूध कितना नीचे इसका? दूध अभी प्रेगनेंट है जी, पहली ब्यांत की। हाँ जी, ये अभी प्रेग्नेंट है और पहले ब्यांत में इसने 35 लीटर दूध दिया है। 35 लीटर? हाँ दिया? हाँ जी, हाँ जी, पहली ब्यांत में। तो अब क्या उम्मीद रहेगी इसकी? 45 से प्लस, 45 से प्लस। किन्होंने खरीदी है ये? हमारे मुंबई से आए हैं। आइए, क्या नाम है आपका? बबलू भोसले। बबलू भोसले।
हौसले। तो ये गाय कितने खरीदी आपने? 1,20,000। 1,20,000 इतना पैसा? क्या सोच के लगाया? दोवा बड़ी है, दूध देगी, बड़ी है इसलिए। ब्रीड भी है, ब्रीड है उसका, सब दूध देगी। कितना अनुभव है आपको? ये मेरे को 7-8 साल जान। 7-8 साल का है अनुभव? अनाड़ी नहीं है? नहीं, अनाड़ी नहीं। तो पहले भी कितने पशु हैं आपके पास? 20 पशु। 20 पशु, कितना दूध होता है? वो हमारे उधर के महाराष्ट्र के पशु है वो। तो दूध कितना होता है उनका? 100 लीटर जाता है दूध। 100 लीटर? हाँ। तो ऐसी और भी गाय खरीदी है आपने? नहीं, ये पहली है। ये पहली पहली बार आया पंजाब में। तो इतना दाम आपने लगाया, 1,20,000 निकाला, तो हिला नहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं, ये तो हमको आदत है पशु लेने की। तो पहले कल ये कहाँ से दिलवाई इनको? ये हमने लिए जी अपना नकोदर के पास से। नकोदर पास फार्म की है? फार्म की है। फार्म की है। हाँ जी। तो कितने मांग रहा था? मांगने में तो बहुत मांग रहा था जी। हाँ, मांगने के तो 2 लाख से भी ऊपर मांगता था इसका। हम धन्यवाद करना चाहते हैं ना आपकी माता जी का। हाँ जी, इसलिए कि आज हमें पता चला कि 48 व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी। 48 का खाना तैयार करना। हाँ जी, इनसे पूछो किसी को तो, बाहर से खिलाया हो? हाँ, लाके। नहीं तो वो ये 3-4 दिन से इधर है। महानता उनकी है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो आजकल के जमाने में औरतें इतना कहाँ कम करती हैं। नहीं, वो बात सही है जी आपकी। तो वो धन्यवाद की नहीं, पूजनीय है। हाँ जी, हाँ जी। सम्मान के पात्र हैं। हाँ जी। और हम अपने चैनल की तरफ से और इन सारे व्यापारियों की तरफ से उनका धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो हम अब इसको जब लेके जाओगे तो ये तो काबू में नहीं आ रही। बराबर, जवान है ना, इसकी जवान है, इसलिए इसकी फीडिंग वहाँ आप ऐसे करोगे? दो भैया है ना, इन्होंने आपको बताया कि फीडिंग कितनी होगी इसकी? हो, बताया, सब बताया, सब बताया। तो उस ढंग से आप कर लोगे? कर ले, तो फिर सक्सेस रहेंगे ये। हाँ जी, हाँ जी। अगर फीडिंग आपने जैसे फीडिंग बता दी तो वैसे ये फीडिंग कर गए। हाँ जी। तो ये 35 किलो दूध देगी? नहीं नहीं, 45 लीटर देगी। 45 लीटर देगी? हाँ जी, 45 लीटर देगी। 10 लीटर कैसे बढ़ जाएगी? इसको इतनी गाय को समझो 45 लीटर नहीं देगी तो क्या कोई फायदा नहीं ना। और जो फार्म से ली है, लेकिन एक वो हम, तो हमसे एक वादा आप करो। हाँ जी, आप हमें बताओ कब चल के दिखाओगे जब ये दूध देगी तो? कौन से महीने में? समझो पूरे आज हम अपने सारे व्यूअर से वादा कर रहे हैं 35 दिन से पहले, 35 दिन के बाद, 35-40 दिन के बाद अब हम चल के दिखाओगे वहाँ कितना दूध है। क्योंकि अभी इसको 20 दिन तो बच्चा देने को बाकी है। अच्छा। और 20 दिन के बाद आपको पता मिल्किंग भी आएगी, 20 से 25 दिन लगते हैं। अच्छा। आप इतने पशु रोजाना लाते हो? हाँ जी। आज भी सुना कि आपने जो 40-50 लादे हैं और देखो जी 10-12 गाड़ियाँ हर महीने भर देते हैं। नहीं, 11 भरते। तो ये जो व्यापारी तो वो खैर जलते हैं, ठीक है। हाँ जी। लेकिन व्यापारियों की जो आपके यहाँ पंजाब के व्यापारी हैं वो तो परेशान रहते हैं, लेकिन ये बाहर के व्यापारी इतना को संतुष्ट कर देते हैं? हाँ जी, सभी संतुष्ट हैं, सभी खुश है जी। आप जिस तरह मिला आपको कोई भी मिलाओ, जरा आप किससे और तो मिलाओ। आओ जी मनीष भाई, ये आज इतने व्यापारी आए हुए हैं। हाँ जी, हम आपकी मार्फत इनको नहीं सबको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब आप वहाँ पर चेक करके देखते हो गाय को तो उसके थन में जो है दूध में नमक आता है तो आप जो है छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि वो अचल खराब हो जाता है ना। क्या खराब? जैसे दूध मीठा होना चाहिए पहले, तो खराब ऐसा है जैसे आर्डर में जैसे थोड़ी देर रुका होता है जो आंचल में मस्टैटिस हो जाती है, ठीक है जी, तो वो उसमें नमकीनपन में आ जाता है। तो वो खराब होने का एक संकेत है? संकेत है। अगर थन खराब होगा या कुछ और खराब होगा? नहीं, आंचल, वो आंचल बिगड़ जाएगा, वो साइड बिगड़ जाएगी, साइड बिगड़े उसके साथ दूसरा भी बिगड़ जाएगा, दूसरी भी बिगड़ेगी, दूसरा भी। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज तो देखो जी, अपना जो एक तो अमूल डेयरी ने निकाला है मास प्रो, ठीक है जी, जैसे वो गाय को तुरंत जैसे वो खारा होता है तो उसको पूरा खाली कर दो, तुरंत पूरा खाली कर दिया, उसके बाद उसको अपना मास प्रो का पाउडर आता है अमूल का, ठीक है जी, वो भी दे सकते हैं हम। देसी इलाज बताओ, हम देसी आदमी हैं। ठीक है जी। एक तो देखो उसमें मीठा सोडा, ठीक है जी, चीनी, और जो रीठा होता है ना साबुन बनाने वाला। हाँ, रीठा होता है काला काला। हाँ जी, काले वाला। हाँ। वो भी दे सकते हैं। अगर रीठा किसी को नहीं मालूम पड़ता है, हाँ, तो वो लाइफ बॉय का साबुन भी दे सकते हैं। हाँ। उसमें क्या कास्टिंग सोडा होता है। हाँ। और साथ में चीनी। अच्छा। ये जो चीज है इसको मिक्स करके गाय को तुरंत दे दो, पहले उसका दूध पूरा खाली कर दो उसके बाद इसको दे दो, और साथ में इसमें अपना मस्टीबॉक की ट्यूब भी भर सकते हो आप, ठीक है जी, वो भरनी पड़ेगी, और पूरा खाली कर दो, और उसके बाद हल्दी, चूना और एलोवेरा को, जो एलोवेरा होता है अपने घर पे हर किसी के घर पे ज़्यादातर लगा ही होता है, उसके ऊपर का जो छिलका उतार के उसको पीस कर
उसका लेप बना के वो भी साथ में तुरंत उसके लगा दो तो उसमें सूजन नहीं आएगी और वो मुलायम मुलायम रहेगा। जब वो बीमारी जो है वो बीमारी होने से बच जाएगी, बच जाएगी, बच जाएगी। सफ़ेद लोगों के बीच में सफ़ेद गाय आ गई। आपने अपनी वर्दी को देख के चुना है या किसी इसको वहाँ पर परेड में तो नहीं लेके जाना? कहाँ से आप? कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जैसे कोई वहाँ पर कोई अभियान चल रहा हो सरकार का तो हो सकता है। मैंने कहा आप सफ़ेद वर्दी पहन के हैं, ये भी सफ़ेद है। क्या नाम है आपका? सुनील शिंदे। सुनील शिंदे। आपका? अशोक पटेल। अशोक। तो ये गाय आपने खरीदी है कौन सी ब्यात में? दूसरी ब्यात के। दूसरी ब्यात में कितना दूध देती है? अभी 28 लीटर दिए। अच्छा, तो आप व्यापार करते हैं या किसान? नहीं नहीं नहीं, डेयरी है। डेयरी। कितनी गाय है वहाँ पर? हमारी 10 है। 10 है। तो ये कितने खरीदी आपने? 76 की खरीदी है। तो कितना दूध हो जाता है वहाँ पर आपके? हमारा वहाँ पर डेयरी में कितना दूध देता है? 300 लीटर। 3 क्विंटल हो जाता है? हमारी खुद की डेयरी। आपकी खुद की डेयरी है? अच्छा अच्छा, तो 3 क्विंटल करीब आप बेच देते हैं। तो आपके अपने पशुओं से कितना हो जाता है? हमारे पशु से 100 लीटर है। 100 लीटर होता है। तो क्या भाव जाता है? 25 रुपये। 3-5 फैट को। 3-5। कितने साल से कर रहे हो ये काम? बहुत दिन से कर रहे। आप बड़े इनसे छोटे? हाँ वो बड़े हैं, हम छोटे। आप अच्छा।